जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए वर्ग निकालना सिखाएंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है? आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में बहुत ही काम आएगा। बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं जो कि आपका समय खराब करते हैं, वर्ग निकालने में आपका बहुत समय खराब होता है। आज हम आपको कुछ ट्रिक सिखाएंगे जिससे आपके आप बहुत ही कम समय में बिना कापी पेन उठाए वर्ग निकाल सकते हैं, वो भी बड़ी बड़ी संख्याओं के, ठीक है? तो चलिए देखिए, सिखाते हैं आपको। देखिए, हम आपको कुछ की पॉइंट सिखाएंगे। की पॉइंट क्या है आपको पहले तो हम सिखाएंगे। देखिए, जो जब भी कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं 100 के पास में हो, किसी 100 के पास में कोई संख्या है, कोई संख्या 100 के पास में है, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? जैसे हमें ऑप्शन सीधा हम आपको कैलकुलेशन में करके, जैसे हम आपसे कभी कभी पूछ लेता है 101 का स्क्वायर क्या होगा, आपको 101 का स्क्वायर हमसे पूछ ले तो क्या होगा, 101 का स्क्वायर क्या होगा, ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे? देखिए, पहले तो हम आपको की पॉइंट बोले कि क्या है। देखिए, की पॉइंट में क्या क्या मिलेगा, 100 होगा, 50 होगा, ठीक है, 100 होगा और 50 होगा। ऐसे ही हम आपको अलग अलग की पॉइंट सिखाएंगे। तो हम पहले आप 100 और 50 का की पॉइंट सिखाते हैं। देखिए, 100 के पास में होगा, 100 के पास में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 101 है, ठीक है, 100 के पास में क्या है, 101 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, कभी भी इस तरीके का अगर वर्ग निकालना हो तो हम इसको चेक करेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है, 101 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 101 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 101 ज़्यादा है, 101 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, एक अंक ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक अंक ज़्यादा है, अगर एक अंक ज़्यादा है तो 101 में क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 102। और ये जो संख्या हम जोड़े हैं इसका स्क्वायर करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। लेकिन कभी भी हम आपको क्या करना होगा, कभी भी जब भी हम इसको स्क्वायर, अगर ये एक आ गया है ना, तो हम इसको एक कैसे लिखेंगे, एक ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके पहले हम एक जीरो लिखेंगे। हमेशा हम टू डिजिट बनाने की कोशिश करेंगे, हमेशा हम दो डिजिट बनाएंगे। जैसे एक का स्क्वायर किए तो कितना आया, एक आया, तो हम इसको दो डिजिट बनाने के लिए एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जीरो आगे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हमारा ये निकल के आया, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 01। तो हमारा जो 101 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10201, ठीक है। ऐसे ही आप अगर समझे कि 102 का स्क्वायर निकालना हो, 102 का अगर स्क्वायर निकालना हो, अब क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे 100 से कितना ज्यादा है। हम 100 को की पॉइंट पकड़ रहे हैं, अभी हम 100 को आप समझा रहे हैं, फिर 50 का समझाएंगे, 50 के आसपास वाली संख्या, ठीक है। ऐसे ही देखिए, 102 कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अगर 2 ज्यादा है तो 2 और जितना ज्यादा होगा उतना हम और ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 ज्यादा था, तो हम यहाँ से लिखेंगे 102 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 104, ठीक है। लेकिन हमें कितना अलग से जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, तो अभी 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। जब तक आपका 2 डिजिट ना आए तब तक आप इसको 2 डिजिट बना करके ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 04, यहाँ से लिखा जाएगा हमारा 04, 10404, 10404, ये हमारा क्या हो जाएगा, 102 का स्क्वायर। इसी प्रकार 103 का अगर पूछे, 103 का पूछेगा, ठीक है, 103 का स्क्वायर अगर हमसे पूछ ले, अगर 103 का स्क्वायर हमसे पूछ ले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है तो हम 3 को और ऐड करेंगे, 103 है प्लस 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और किसको ऐड किए हैं हम, यहाँ पे ऐड किसको किए हैं, 3 को किए हैं, 3 को ऐड किए हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 को 2 डिजिट बनाने के लिए हम 0 आगे लिखेंगे। तो जैसे ये 0 लिखा जाएगा इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए हमने कितनी आसानी से स्क्वायर निकाल लिया। ऐसे ही आपको जो भी संख्या है, कोई भी संख्या है पूछे, आपको 107 का पूछ ले, अगर 107 का स्क्वायर हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा, अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट मिल गया है तो हमें 0 लगाने की कोई जरूरत
नहीं है, जब भी हमारा टू डिजिट लिखा जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कभी कभी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री डिजिट आ जाएगा, मतलब तीन संख्याएं आ जाएंगी। जब तीन संख्याएं आ जाएंगी तब भी हमें सिर्फ दो ही संख्या लिखनी है, जो तीसरी संख्या होगी वो हमारा कैरी बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम हासिल बोलते हैं, उसी को बन जाएगा। देखिए हम आगे आपको सिखाते हैं, थोड़ा और समझिए इसको, और अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। जैसे हमसे पूछ ले कि 115 का स्क्वायर, हमसे डायरेक्ट अगर हमसे पूछ ले 115 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना ही हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। पहले तो हम इसको हो गया 130 बन गया, और कितना ऐड कितना किए हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। हम आपको बताएं टू डिजिट को ही लिखना है, टू डिजिट को लिखेंगे, ठीक है, टू डिजिट को लिखेंगे, लेकिन ये जो दो बच रहा है ना, ये यहाँ से दो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा 13, यहाँ पे जीरो में दो जुड़ेगा तो दो हो जाएगा, ठीक है, और 25, ये हमारा होता है 115 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है, ऐसे ही 100 से कम हो जाए, अभी तक तो हम आपको सिखाए 100 से ज्यादा, ठीक है, अब हम 100 से कम वाला दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए 100 को हम क्या मानते हैं, की मानते हैं, 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग निकालना है, 100 के आसपास वाली। तो यहां से देखिए क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि 99 का, पहले तो हम 99 का निकालते हैं, 99 का वर्ग क्या होगा, 99 का जो वर्ग होगा देखिए ये संख्या हो गई 99, 99 का वर्ग हमें निकालना है, 99 का वर्ग निकालना है, तो हम क्या देखेंगे, ये जो 99 है वो 100 से क्या है, ज्यादा है कि कम है, तो देख रहे हैं कि कम है, कितना कम है, एक अंक कम है, जितना अंक कम है उतना और कम करेंगे, अगर इसमें एक अंक कम है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 99-1, अगर कम है तो एक और कम करेंगे, अगर 100 से ज्यादा है तो 100 एक और ऐड करेंगे, और क्या लिखेंगे, देखिए यहां से लिखेंगे, उसके बाद जितना हम ये वाला घटाते हैं ना, इसी का वर्ग करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एक होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आपको बताए हैं कि हमेशा टू डिजिट ही लिखा जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जीरो आगे बढ़ा देंगे, तो यहां से देखिए क्या होगा, 99 में से एक जाएगा तो आएगा कितना, 98 और 01, यहाँ पे ये वाला जीरो यहाँ पे उतर गया, तो हमारा 99 का स्क्वायर हो क्या होता है, 9801, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको 98 का निकालना हो, 98 का स्क्वायर निकालना हो, तो क्या करेंगे, 98 क्या है, 100 से दो कम है, 100 से दो कम है, जितना कम होगा उतना हम और कम करेंगे, दो कम है तो दो और कम कर देते हैं, ठीक है, 98 में दो और कम कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, 96 हो जाएगा, और दो कम किए हैं तो इसका स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 को हम लिखेंगे 04, 96-04, 9604, 98 का स्क्वायर होता है 9604। इसी प्रकार आपको 95 का अगर निकालना हो, 95 क्या है, देखिए 95 का अगर हम स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, 95 जो है वो 100 से 5 कम है, तो 5 कम है तो हम 5 और कम करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और कितना कम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। यहाँ पे देखिए टू डिजिट पहले से ही मिल गया है, तो हमें जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम सीधा 25 लिख देंगे, 90-25। देखिए इतना आसानी से हम निकाल रहे हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछ लेगा 97 का स्क्वायर हमसे पूछ ले तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 97 कितना है, 3 से 97 जो है वो 100 से 3 कम है, 3 कम है तो हम 3 और कम करेंगे, 97 में 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94, मतलब 94, 3 कम किए हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 होता है, 9 सिंगल डिजिट है, उसको टू डिजिट बनाएंगे, टू डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो आगे बढ़ाएंगे, हमारा हो जाएगा कितना था, 97 का स्क्वायर कितना करेंगे, 97 में से घटाए थे कितना आया था, 94, और 94 में क्या होगा, 09, ठीक है, जो 3 का स्क्वायर किए 9 आया, 9 को हम टू डिजिट बनाने के लिए जीरो लगा देते हैं, तो यहाँ से हमारा 97 का स्क्वायर निकल के आ गया है। इसी तरीके से आप 100 के आसपास सारी संख्याओं का निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिमिटेड है ना, ये तो तब के लिए सही है जब तक स्क्वायर आपको पता हो। मान लेते हैं यहाँ से 100 के लगभग 20 अंक तक, यहाँ पे 20 अंक से यहाँ तक,
ठीक है, मतलब 100 से 20 कम, 100 से 20 ज्यादा तक लगाने में ये आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो देखिए तब अब ये वाले रूल से अगर लगाते रहेंगे तो फिर आगे जाके लेंदी बनता चला जाएगा। आपसे अगर पूछ लेगा कि 78 का स्क्वायर, हालांकि आप निकाल इससे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 78 का स्क्वायर हमसे पूछ ले तो हम यहाँ पर भी वही नियम अगर फॉलो कराएं तो कितना कम है, 78 जो है वो 22 कम है, 22 कम है तो हम 22 और कम करेंगे। 78 में से अगर हम 22 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, कितना हो गया आएगा 56 हो जाएगा। और 22 का हम जानते हैं कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का 484 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और ये 8 4 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा 8 4 और ये 6 4 10 हो जाएगा, और ये कितना आता 56 था, तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, देखिए ये तो 84 होगा ही, 6 4 10 हासिल लगा 1 5 1 6, तो यहाँ से 78 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 84। ठीक है, ये तो आपको निकल गया है, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इतने हो जाएंगे कि आप ऐसे ऐसे आते आते अगर आपको 45 बोल दे, 45 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, अब 100 में से 45 कितना अंतर होगा, 55 का अंतर होगा, तो आप फिर 55 इसमें माइनस करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला रूल नहीं फॉलो होगा। ठीक है, ये कुछ लिमिट है, इसके कुछ लिमिट है, लिमिट का मतलब यही, निकाल आप इससे भी सकते हैं, रूल को जब फॉलो कराएंगे तो निकलेगा इससे भी, लेकिन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हम तो शॉर्टकट ट्रिक सीख रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक तो आसानी से निकलना चाहिए, तो उसको सीखिए आप। अगला क्या बताते हैं आपको, 50 के करीब वाली संख्याओं का निकलना। ठीक है, 50 के करीब अब हम क्या पकड़ेंगे, 50। ठीक है, 50 के करीब वाले संख्याओं का कैसे वर्गमूल निकलता है, वर्ग या वर्गमूल कैसे वर्ग निकलता है, पहले हम वर्ग आपको सिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको दे दिया 51 का स्क्वायर निकलना। ठीक है, 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 1 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 से 1 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ज्यादा रहेगा तो ऐड करेंगे, कम रहेगा तो और कम करेंगे, बस यही ट्रिक है इसमें, ज्यादा है तो और ज्यादा, कम है तो और कम। ठीक है, यहाँ से हमारा निकलना निकल के कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। अब ये 52 को वहां पे हम तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे, लेकिन ये 52 को क्या करेंगे हम, 52 जो है, देखिए ये जो 50 है, 50 100 का क्या है, आधा है, 50 जो है ये 100 का आधा है, 100 का आधा ही तो है 50, 1/2 है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको अभी हम आधा निकालेंगे पहले, तो 52 का आधा कितना हो जाएगा 26। अब जो संख्या होगी, अब हम इसका इसका स्क्वायर करेंगे, एक इसमें ऐड किया है तो एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, दो अंक बनाने के लिए 01, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 01, तो हमारा जो 51 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2601। ऐसे ही अब अगर 52 का निकालना चाहें, 52 का स्क्वायर, तो 52 को हम क्या करेंगे, देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसको 2 और ऐड करेंगे, 52 में 2 और ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 54, 54 का हम फिर क्या करेंगे, आधा करेंगे, 54 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 27, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4, 4 को हम बनाने के लिए 04 लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 04। इसी तरीके से अगर हमें 53 का पूछेगा, 53 का स्क्वायर, देखिए ये जो 53 का स्क्वायर है ना, ये कैलकुलेशन में बहुत ही बार आता है, अगर इसीलिए ये हम ट्रिक सिखा रहे हैं, अगर आप ये ट्रिक सीख जाते हैं तो बहुत ही आसानी से समय बचा सकते हैं। परीक्षा में जानते हैं एक एक सेकंड की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड 10 सेकंड अगर बचा रहे हैं, तो सोचिए 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने पे 100 दाम में 1000 सेकंड बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन से बचिए, कैलकुलेशन को भी आपको समझते हुए चलना है। कैलकुलेशन को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हम क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे 50 के आसपास की संख्याएं, संख्याओं का वर्ग, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। तो यहाँ से देखिए अगर हम निकालें 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर अगर निकालते हैं, तो 55 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, 55 50 से 5 ज्यादा है, तो हम 55 जो है ये 50 से 5 ज्यादा है, तो 5 और ऐड करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 का आधा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 100 है ये 50 जो है ये 100 का क्या है, आधा है। ठीक है, 50 जो है वो 100 का आधा है। देखिए ये पहले हम 100 लेते थे तो वही संख्या ले लेते थे डायरेक्ट, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, 100 का आधा कर रहे हैं, तो हमारा आ जाए 50। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस संख्या को हम 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से देखिए ये 30 आ गया है, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे, जो ये अलग से हम ऐड करते हैं इसी का स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक, यहाँ से हमें
टू डिजिट को निकालना पड़ता है। अगर सिंगल डिजिट आते हैं तो वहाँ पे जीरो ऐड किया जाता है, अगर डबल डिजिट आता है तो वही हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हम सीधा इसको लिख देंगे 30, 25, 55 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 30, 25, 30, 25, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप 58 का वर्ग निकालना चाहें, 58 का वर्ग निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए 58 का वर्ग निकालेंगे तो 50 से कितना ज्यादा, 58 से कितना ज्यादा है ये, 58 प्लस 8, 50 से 8 ज्यादा है, तो हम 8 और ऐड करेंगे तो 58 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 66, ठीक है, 66 हो गया है। और 66 का आधा कितना करे, कितना हो जाएगा 33, ठीक है, ये तो 33 हमारा आ गया है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 33, 64, 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 33, 64, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का निकालते चले जाएंगे। अब देखिए ये तो हमारा क्या था, 50 से प्लस वाली संख्या थी, ये सब सारी 50 से प्लस वाली संख्या थी। अगर हम 50 से माइनस वाली संख्या चेक करें कि 50 से कम, 50 से कम, 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग ना, 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग, जैसे 49 का वर्ग, ठीक है, वहां पे हम क्या करते थे, 100 से जितना कम था, अगर कम था तो उसको और कम करते थे, ज्यादा था तो उसको और ज्यादा करते थे। यहाँ पे क्या है, 50 से कितना कम है, एक कम है, 50 से एक कम है तो एक और कम करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 48। बाकी ये 50 वाला चल रहा है सीरीज, तो 50 वाले में क्या होता है, 2 से भाग देना पड़ता है, तो यहाँ से हो जाएगा 24, ठीक है। अब ये देखिए एक है, एक का स्क्वायर 0, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं टू डिजिट बनाने के लिए हमें एक यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा यहाँ पे टू डिजिट ही बनाना है वर्ग, जो ये जोड़ा जाता है इसका, अगर हमें वर्ग से टू डिजिट नहीं मिल रहा है तो हमें उसको बनाने के लिए 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 48 का निकाल लें, 48 का निकालेंगे तो क्या हो, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 कम है, ठीक है, यहाँ पे 2 कम है तो 48 में 2 और कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 46, 46 का आधा करेंगे हो जाएगा 23, और 23 यहाँ पे कितना करे हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को हम लिखोगे 0, 4। ये सब आपको समझा रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया है तो आप बहुत ही आसानी से ये सब सारे के सारे बिना आपकी कॉपी पेन उठाए आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से इनके सारे के वर्ग निकाल सकते, वर्गमूल निकाल सकते। इसी तरीके से थोड़ा और क्वेश्चन को देखिए, जैसे मान लेते हैं 42 का स्क्वायर आपसे पूछ ले, तो 42 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 42 जो है ये 50 से कितना ज्यादा है, कम है, 8 कम है, तो हम 42 में से 8 और माइनस करेंगे, 42 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 34, ठीक है, 34 हो जाएगा, 34 का आधा करेंगे अब यहाँ से हो जाएगा कितना 17, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ से टू डिजिट दोनों डायरेक्ट आ रहे थे इसलिए हम ये रख लिए, ठीक है। कभी कभी आपसे 32 का स्क्वायर पूछ लेगा, ठीक है, तो इसी तरीके से आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको बस ये चेक करना है कि 50 से कितना ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा करेंगे, फिर अगर 50 वाला चल रहा है तो हम लाइक जाकर के 2 से भाग दे देते थे, बाकी 100 वाला अगर आपको पहले आपको 100 वाला समझना है, 100 वाला अगर आप समझ गए तो 50 वाला बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कि 99 का स्क्वायर बताइए, 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 99 में से एक जाएगा 98 हो गया, उसके बाद एक का स्क्वायर 0, 1 हो जाएगा, तो हमारा जो 99 का स्क्वायर हो जाएगा 98, 0, 1 हो जाएगा। ऐसे हमसे पूछ लिया 101 का स्क्वायर कितना होगा, तो 101 क्या है, 100 से एक ज्यादा है, तो हम एक और ऐड करेंगे, 100 से एक और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 102 हो जाएगा, लेकिन एक ऐड किए हैं तो एक का स्क्वायर 101 हो जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा आंसर 10201 हो जाएगा, मतलब 10201 हो जाएगा। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए कनेक्ट टू एग्जाम, हमारा यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम, हमारा YouTube चैनल है कनेक्ट टू एग्जाम, आप लोग हमारे कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको कैलकुलेशन के बहुत सारे ट्रिक सिखाए जाएंगे। चलते चलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं कुछ और ट्रिक के साथ, धन्यवाद।